कौन था खालसा राज का रक्षक। पंजाब के गांव शीहा में 1761 ईस्वी को संत सिपाही की विरासत को कायम रखने वाले सिख पंथ के महान जनरल अकाली फूला सिंह का जन्म हुआ। जिस समय उनके पिता बड़े घल्लूघारे में शहीद हुए तब उनकी उम्र केवल 1 साल की थी। छोटी सी उम्र में ही उन्हें शहीद मिसल के बाबा नरेल सिंह अपने साथ आनंदपुर साहिब अपने डेरे ले गए। वहीं पर उनकी परवरिश हुई। 10 साल की उम्र में उन्होंने अमृत पान किया और शस्त्र विद्या घुड़सवारी में निपुणता हासिल की। बाबा नरेन सिंह जी के देहांत के बाद फूला सिंह मिसल के जत्थेदार बन गए। अकाली बाबा फूला सिंह का बड़ा योगदान सिख राज को स्थापित करने के लिए माना जाता है। उन्होंने कसूर, मुल्तान और कश्मीर जैसे अफगानी प्रांतों को जीतकर दूर दूर तक खालसे की शक्ति का परचम लहराया। याद रहे, ये वो इलाके हैं जिस पर आज भी संसार की बड़ी शक्ति माने जाने वाला अमेरिका जैसा देश भी कब्जा करने में असफल रहा है। फूला सिंह ने 18वीं ईस्वी में अमृतसर को केंद्र बनाकर अकाल तख्त साहिब और अनेक गुरुद्वारों का पुनर्निर्माण करवाकर गैर सिखों द्वारा की जा रही मनमानी को खत्म किया तथा सरोवर की कार सेवा भी करवाई। फूला सिंह बड़े सुलझे हुए निर्भय जनरल थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि महाराजा रणजीत सिंह ने सिख मर्यादा से विपरीत कार्य किया है, तब उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को अकाल तख्त के सामने बंदी बनाकर कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। पेशावर के गवर्नर अजीज खान की बगावत को खत्म करने के लिए जब बाबा फूल सिंह अरदास करके आगे बढ़े तो महाराजा रणजीत सिंह ने फौज को रुकने का हुक्म दिया, क्योंकि तोपें पीछे रह गई थी। अकाली बाबा फूला सिंह ने गरज के कहा कि चढ़ाई अभी होगी। जब महाराज ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने केवल 1500 घुड़सवारों समेत हमला कर दिया। जब महाराजा रणजीत सिंह ने ये सब देखा तो वो भी पीछे नहीं हटे। अकाली फूला सिंह ने महाराज रणजीत सिंह जी की कठिन और खतरनाक मुहिमों में हमेशा सहायता की। मुल्तान की जंग में उनकी ओर से दिखाई गई बेमिसाल बहादुरी के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने उनको खालसा राज का रक्षक कहकर सम्मानित किया। सिख कौम का महान योद्धा बाबा फूला सिंह 14 मार्च 1823 ईस्वी को शहीद हो गए। अकाली फूला सिंह की शहीदी की खबर सुनते ही महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, ऐसो सिंह महाबली विरला हम दरबार। अकाली फूला सिंह की शहीदी के बाद सिख पंथ एक सच्चे और निर्भय जनरल से वंचित हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने बाकी ग्रुप्स में भी शेयर करें, अपने फेसबुक पे भी शेयर करें, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, गुरुद्वारा बंगला साहब का, गुरुद्वारा सीसगंज साहब का फेसबुक पेज पे जाके उसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी अनेकों वीडियो आप और देख पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।